हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं जे गेम्स HD और स्वागत है आप मेरे इस चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया पेस 2020 का बिकम ए लेजेंड मोड का एक और नया एपिसोड। यस, पिछले एपिसोड में आपने देखा काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, गोल भी हम काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे थे, लेकिन अब हमको देखना है कि आने वाले मैचेस में भी जो है हमारी परफॉर्मेंस वैसे ही रहे और हम इसको कंटिन्यू करें ताकि आगे जो है हमारे करियर मोड में कुछ इसका इम्पैक्ट बढ़े और मेरी रैंकिंग इंक्रीज हो जाए और स्किल लेवल भी जो है काफ़ी बढ़ जाए। तो इस वीडियो का लाइक गेम जो है हम रखने वाले सिर्फ 200 लाइक, जो आप मुझे पता है कर ही दोगे, तो फटाफट 200 लाइक कर डालो और शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो होने वाला है वेस्ट हैम यूनाइटेड के साथ लीग तालुका में। हमारे काफ़ी कम मैचेस बचे हैं अब, तो वहाँ से डिसाइड होने वाला है कि अब हमारा फ्यूचर क्या है भाई हमारी टीम का। वैसे तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है नॉर्विच सिटी का, हम होप करते हैं कि आगे भी वैसा ही चलता रहे। सो हियर वी गो, वेस्ट हैम यूनाइटेड फर्स्ट मैच ऑफ दिस एपिसोड। सो हियर वी गो, स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो बॉल विंग के पास वापस और विंग से अंदर डालने की ट्राई की है और मैंने बॉल तो मांग ली है लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ से कुछ स्कोप है ना पास देने का ना कुछ नहीं, पीछे ही पास करने भलाई। ओके, अब मैं बॉल मांग सकता हूँ, ये वो बढ़िया बॉल है, यहाँ से शूट की ट्राई और काफी क्लोज था ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया यहाँ से, मतलब थोड़ी मुझे वेट कर लेना चाहिए था, आई थिंक थोड़ा और बॉल बना लेना चाहिए था, थोड़ी हाइट ज्यादा हो गई शॉट में इसलिए फायदा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। ओके, वापस विंग में बॉल है और यहाँ से बॉल वापस मेरे पास लेंगे, पास दूंगा यहाँ पे बढ़िया जगह पे अभी ये। ओ कम ऑन यार, गुड सेव, काफी अच्छी जगह पे था ये। ओके, बॉल की डिमांड की हमने वापस, बॉल मेरे पास, ये तो मतलब अब एकदम फालतू सी ट्राई थी जिसकी होनी नहीं चाहिए थी एक्चुअली, थोड़ा सा आलसी बना दिखा भाई हमको यहाँ पे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम पास कर सकते थे, काफ़ी प्लेयर थे हमारे पास कुछ ज़्यादा ही आशावादी जो कि गलत साबित हुए हमारे लिए। फिर से विंग में बॉल और बॉल आई अंदर की तरफ, क्या ये बॉल मिलेगी मुझे, वो मिस कर दिए भाई, ना हेड किया ना कुछ नहीं किया और बॉल मिस कर दी। ओके, फिर से बॉल हमारे पास, बढ़िया बॉल पास किया है और फिर से बाहर की तरफ बॉल और अब ये बॉल हमारे पास है, क्या हो, कुछ फायदा नहीं हुआ, मिल सकती थी ये बॉल लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पहले हाफ में स्कोर लाइन 0-0, किसी भी टीम का स्कोर नहीं और हम भी नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है किसी टीम का नहीं है। तो सेकंड हाफ शुरू हो चुका है यहाँ से और बॉल है वेस्ट हैम यूनाइटेड के पास और वो बढ़िया बॉल बनाते हुए, लेकिन अब भाई अब बॉल हमारे पास विंग में और यहाँ से बॉल वापस मेरे पास थी और ये कुछ अजीब वो गरीब सी घटना, हम कुछ करना और चाहते थे कुछ हो कुछ और गया। सो ओके, फिर से बॉल हमारे पास, यहाँ से मैं बढ़िया, नहीं पीछे ही बॉल देनी पड़ी, कुछ आगे दिखाई नहीं हमको, विंग में अगर बॉल आए तो ही फायदा है। ओके, मैं विंग्स पे ज़्यादा खेलता हूँ, मतलब विंग से ज़्यादा खेलने की ट्राई करता हूँ, सेंटर से बॉल कम आगे करता हूँ, लेकिन विंग से बॉल ज़्यादा अच्छी बनती है ऐसा मुझे लगता है और मैं जितना खेलता हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि विंग से बॉल बनाना और वहाँ से गोल का ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है। और बहुत ही बढ़िया छोड़ दिया भाई थ्रू बॉल, अब तो गोल हो जाना चाहिए, कम ऑन हिट, नहीं भाई मैंने वापस बॉल मांगी और यहाँ से बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, हाफ बॉले को एक्रोबेटिक बना दिया हमने और यहाँ पे ये गोल हो जाता तो कैरियर का बेस्ट गोल हो सकता था हमारे, बहुत ही बढ़िया ट्राई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कुछ नहीं। और यहाँ से वेस्ट हैम की ट्राई और क्या वेस्ट हैम स्कोर कर पाएगी यहाँ से, बहुत ही बढ़िया मूव और गुड शॉट, लेकिन हमारे गोल कीपर ने भी बॉल रोक लिया भाई साहब, ऐसे ही नहीं जाने देंगे बोले। ओके, तो 0-0 प्रीमियर लीग का ये मैच हुआ ड्रॉ, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि हमको रैंक में अगर ऊपर आना है तो हमको ये मैचेस जीतना है, ड्रॉ भी नहीं करना है, हारना तो बिल्कुल नहीं है लेकिन जीतना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम नंबर 3 के स्पॉट से नीचे आ रहे हैं, फिलहाल हम नंबर 2 पे थे तो नंबर 3 पे आ चुके हैं, अब हम टॉटनहम हॉटस्पर ऊपर जा चुकी है और हम लोग आ चुके हैं डाउन। ओके, तो नेक्स्ट मैच हमारा किसके साथ है, हमारा मैच है सॉन सिटी के साथ और ये मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बार बार बोला अगर ये मैच जीतते जाएंगे हम तो ही हमारे लिए फायदा है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है, हमारे रैंकिंग में और नीचे आते जाएंगे। ओके, तो हियर वी गो, सॉन सिटी के साथ मैच है हमारा, सॉन सी है वो एक्चुअली। ओके, हियर वी गो, बढ़िया बॉल इनके पास फिलहाल और बॉल आई है हमारे पास, यहाँ से मैं थ्रू बॉल लेने की ट्राई लेकिन ये कुछ बॉल कंप्लीट नहीं, और यहाँ से ये थोड़ा क्लोज था, ये गलत पास, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम इसको। अब बॉल मेरे पास, बढ़िया यहाँ से मुझे लगता है कि पास दे देना चाहिए और फिर से बॉल मुझे मिल जाए तो नो यार,
अरे यार नहीं किया, मुझे लग रहा है कि गलत हो गया यहाँ पे किस्सा। नो कार्ड प्लीज। किया क्या इसने? ओह ये क्या था भाई, बॉल के साथ करो ऐसा कुछ तब तो मजा आए। आप तो अकेले अकेले ही करते जा रहे हो जो कि बहुत ही गलत बात है। ओके सो वी गो। बहुत ओ नो 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 बे यार, रूम मिल गया इसे आराम से करने के लिए। धीरे धीरे बॉल ब्रेक किया और फिर का गोल, फिर ने गोल स्कोर कर दिया यहाँ पे सनसेटी के लिए। तो हमारे लिए कुछ घातक सिद्ध हो सकता है भाई ये। गोल होना तो नहीं चाहिए था लेकिन मुझे लगता है कि जगह काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया यूटिलाइज किया भाई उसने, बहुत ही बढ़िया शूट, नो डाउट एट ऑल। ओके सी वी गो। अटैक पे हमारी टीम वापस और बॉल है मेरे पास, यहाँ से ये एक बढ़िया ट्राई लेकिन गोल कीपर का बहुत ही अच्छा सेव, जिसको कि हम बोल नहीं सकते खराब है, काफ़ी अच्छा सेव था लेकिन ट्राई डिसेंट सी बोलूँगा मैं, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमें थोड़ा और कॉर्नर में लगा के अप से करते तो शायद ज़्यादा फायदा मिलता हमको, लेकिन नो वरी। ओके हियर वी गो। वन साइड का फिर से बॉल है और गुड शॉट। ओके सेव कर लिया, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या किया भाई, अरे भाई साहब ये क्या कर दिया यार, खुद ही बॉल अंदर डाल दी, मतलब ओन गोल कर दिया यार, ये महंगा साबित होगा यार। हुआ कैसे ये, इसने शॉट किया है, गुड सेव, और इसने क्या किया? ए भाई पास देने की बजाय तूने शॉट हिट कर दिया वहां पे और गोलकीपर की टांगों में लग के बॉल अंदर चले गई, व्हाट द हेल। ऐसे गोल देंगे यार तो मैच जीतना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। टीम काफी अच्छी है, वो ऊपर अटैक करने में ज्यादा बिलीव करेगी हमारे ऊपर, मतलब डिफेंस रहेगी ज्यादा और थोड़ा चढ़ के भी खेलेगी। दो गोल हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ से ट्राई करने की, तो हमने ट्राई की लेकिन ट्राई की ट्राई नहीं हुई, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। तो फर्स्ट हाफ 2-0 से पीछे चल रहे हैं हम, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सो हियर वी गो, सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बॉल है और दे दिया मैंने अंदर की तरफ, और मैं चाहूंगा कि वापस मुझे बॉल मिले तो मैं यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ, और ये ट्राई होनी चाहिए। यस फाइनली गोल मिला है हमें, लेकिन गड़बड़ ये है कि ये गोल मिल तो गया है लेकिन हमने जो पहले एक ही गोल किया था, तो अगर एक ही गोल रहता है हमारे ऊपर तो ये यहाँ से मैच ड्रॉ होके हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी होती, लेकिन जो ओन गोल हमने किया है भाई, अब उसकी वजह से हमें खामियाजा भरना पड़ेगा और एक और गोल ढूंढना पड़ेगा जो पता नहीं अब मिलता है या नहीं मिलता है, काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। ये बहुत ही बढ़िया पास था और हाफ वॉली पे लगा दिया, बहुत ही बढ़िया शूट और परफेक्ट जगह पे जाके मिला है भाई, और गोल हमें मिल चुका है वहाँ पे, बहुत बढ़िया, इसी की तलाश में थे हम। ओके से भी वो फिर से बॉल आएगी हमारे पास और हमें जितनी जल्दी हो सके दूसरा गोल ढूंढना है ताकि ये मैच ड्रॉ हो जाए। बढ़िया पास भाई, शूट कर दे, कम ऑन यार, बाहर क्यों मार दिया, ये अंदर होना चाहिए था। फिर से अटैक पे हमारी टीम, यहाँ से देखना कि वापस अगर बॉल आती है तो क्या हम स्कोर कर पाएंगे। नहीं भाई बैड पास, कम ऑन यार, ऐसे चांस नहीं छोड़ सकते, ऐसे चांस छूटेंगे तो हमारा स्कोर नहीं होगा। और ये देखो पूरा टाइम पास कर रहे हैं, इनको पता है कि हमारा एक गोल की लीड है उनकी। ओके फिर से बॉल है मेरे पास, मैं पास दे दूँ किसी को अगर कोई है वहाँ पे तो। ओके बढ़िया बॉल, वापस से बॉल, ओके फिर से ट्राई करूँगा मैं तो यहाँ से। ओह कुछ अजीबो गरीब ट्राई, बॉल तो चलेगी नहीं, मैं गिर गया वहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर से बॉल है हमारे पास और यहाँ से मैं ट्राई करूँगा और बढ़िया शॉट, कोई रिबाउंड लेने के लिए नहीं है यार, कोई तो चाहिए था रिबाउंड लेने के लिए, कोई नहीं था भाई। ओके तो ये मैच हमने एक गोल से हार गए और वो गोल वही गोल है जिसने हमारा ओन गोल करके सत्यानाश कर दिया। तो ये देखो सन सिटी 2 एंड नॉर्थ सिटी 1 काफ़ी दिन के मैच हारे और नंबर 5 के पायदान पे आ चुके हैं अब हम लोग, जहाँ हम नंबर 2 पे थे नंबर 5 पे आ गए, 37-38 के पॉइंट वाली रैंकिंग की टीमें ऊपर हैं। ओके तो क्यों वेट बने हैं एशियन बेस्ट प्लेयर अवार्ड, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, पता नहीं हमको कब मिलेगा, हम भी वेट कर रहे हैं वो बेस्ट प्लेयर बनने का, जल्दी बना दो भाई हमको भी। ओके तो भाई होप आप इंजॉय तो कर ही रहे होंगे, अगर आप इंजॉय करना भूल गए होंगे तो यार इंजॉय करना चाहिए, और शेयर भी करो इस वीडियो को और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो बर्नली के साथ हमारा नेक्स्ट मैच है, पिछला मैच तो हम हार गए लेकिन अब ये मैचों को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि रैंक 1 की टीम पे आना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, जब तक ऐसा ना हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। ओके सो हियर वी गो, इस मैच में तो कुछ चमत्कार ही दिखाना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता भाई साहब, कुछ तूफानी करना पड़ेगा।
ओके, कुछ तो तूफानी नहीं, का आप वेट अपना तो हम हर एक मैच में करते हैं, लेकिन अब यहाँ देखना क्या होता है। बहुत ही बढ़िया बॉल रहा, पहले पे शूट कर दिया, और क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही बॉल आई फर्स्ट टच में, बॉल गई गोल के अंदर और हाफ वॉली के साथ, बहुत ही बढ़िया किक। भाई ये काफी अच्छा गोल था, क्या गोल सबसे बेहतरीन गोल था क्या ऐसा आपको लगता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मुझे तो काफी पसंद आया गोल, बहुत ही बढ़िया। किस्मत भी अच्छी रही कि बॉल ने हाफ बॉली खा के टिप किया, ये देखो यहाँ से हाफ बॉली और टिप कर गई बॉल। अगर टिप नहीं करती, बॉल सीधी जाती तो ये गोल होना मुश्किल था, मेरे हिसाब से तो गोल हो नहीं सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी लगी मुझे ऐसा लगता। देखो जैसे ही शूट किया, बॉल एकदम गोल कीपर के पास से टिप हुआ और वहीं पे सब गड़बड़ हो गई। ओके बहुत बढ़िया, सो हियर वी गो, बॉल है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया, लेकिन मैं इसको पास करूंगा यहाँ से अब। बहुत बढ़िया बॉल, और आगे बॉल चले गई है, मैं फिर से बॉल मांगना चाहूंगा भाई, बॉल बॉल गिव मी द बॉल। बहुत बढ़िया बॉल, और एक और ट्राई, और ये गोल, मैं बोलूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग गोल था। मैंने तो ट्राई की भाई अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाली टीम ने भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया मुझे। एक्चुअली डिफ्लेक्ट हो गया बॉल, उसने अच्छी ट्राई की थी कि वो हेड करके बॉल को बाहर निकाल दे, लेकिन गलती ये हो गई, बॉल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हेड प्रॉपरली लग नहीं पाया और थोड़ा सा लगा और बॉल डिफ्लेक्ट होकर चले गई सीधे गोल पोस्ट के अंदर। लेकिन हमने एक और बॉस वॉली मारने की ट्राई, और सक्सेसफुली बोलूँगा मैं, कुछ ऐसा तो नहीं बोल सकता सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल ही है ये हमारे लिए तो, क्योंकि अब जैसे भी हो भाई गोल तो हो ही गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त हेडर, ऐसे ही दो चार हेडर और लगाते रहो, हमारा बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया बॉल, और यहाँ से फिर से बॉल हमारे पास लेके, और ये बॉल मिल चुकी है, हैट्रिक होने का चांस था भाई, क्या किया तुमने, कम ऑन यार, हैट्रिक हो जाती थी हमारी, क्योंकि लकीली हमको दो गोल मिल चुके और एक गोल की हमको तलाश है। और ये बहुत ही घटिया ट्राई, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बॉल को हम कॉर्नर पे लगा सकते थे कि कोई था नहीं, फिर भी टाइम करके मार सकते थे, लेकिन नीचे खेला हमने जो कि काफ़ी गलत। और इंडिविजुअली बॉल लेके मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जा नहीं पाऊँगा, मुझे पीछे बॉल देना ही पड़ेगा। ओके बढ़िया बॉल, गुड पास, और यहाँ से अंदर मुझे लग रहा है कि मांगना गलत होगा। ओह मेरी बैड, ओके सो हियर वी गो, बढ़िया पासिंग फिर से, बहुत अच्छे, मुझे लगता है बॉल देना मुझे भाई। अरे भाई यही तो बॉल था, क्यों छोड़ दिया ये, कम ऑन यार। ओके ये भी गो, फिर से विंग में बॉल, और बॉल आई मेरे पास, बहुत ही बढ़िया पास, ये किसको बॉल दिया, ओके भाई अंदर डाल दिया, अब कम ऑन यार ये नहीं आई मेरे पास। सो फर्स्ट हाफ 2-0, लकी रहे हम, दो गोल मिल चुके हैं मुझे, काफी खुश हूँ मैं। ओके सो ये भी गो, सेकेंड हाफ बिगिन। ओके बॉल अगर आगे आए और विंग में फिर से बॉल, बहुत ही बढ़िया पास है मेरे पास, मुझे लगता है कि यहाँ से गोल तो नहीं होगा, मैं बॉल पास करूंगा, और मतलब क्या बोलूं मैं, अब इतनी बढ़िया बॉल थी, हेडर, और भाई अब तो गोल कर दे, कम ऑन, ऐसा क्या हो गया हमारी टीम को। ओके ये अटैक यहाँ पे बनने का, और बहुत ही बढ़िया बॉल, गोल ना हो जाए भाई कहीं, बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, अगर ये अंदर डाल देंगे तो काफी कुछ होने की संभावना है, और बहुत ही बढ़िया हेडर, लेकिन लकी रहे हम। ओके बॉल फिर से मेरे पास, बढ़िया बॉल, पीछे मांगना गलत ही होगा, अब क्या मांगू, मांग तो लिया, और ये गलत ट्राई, ऐसी मतलब गोल करना है के चक्कर में हम बहुत ट्राइयां कर रहे हैं, तीसरा गोल हमें चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ओके तो अंतिम क्षण चलते हुए इस मैच के, फर्स्ट ओ ओ ओ क्या ये बॉल मिलेगा, नहीं, फर्स्ट हाफ तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, बढ़िया गोल भी लगे, लेकिन अब सेकेंड हाफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो ये है फुटबॉल गेम भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो हियर वी गो, और फिर से बॉल थी, ओ और अब बॉल है हमारे पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैच यहीं पे हो सकता है एंड, नहीं एक चांस है शायद मेरे पास, बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या मुझे वापस बॉल मिलेगी, बहुत ही बढ़िया, मैं ट्राई करूंगा यहाँ से, ओ नो, तो इसी के साथ आई थिंक ये मैच, ओ नहीं है भाई, है थोड़ी जान है इस मैच में, ओ नो, यहाँ पे ये मैच एंड हुआ, थोड़ा खुश और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हम, क्योंकि पहली बार हमने दो गोल इकट्ठे स्कोर कर दिए थे इस मैच में, और यहाँ से हैट्रिक होने का चांस था लेकिन हो नहीं पाया। तो अब नंबर 5 की पोजीशन पे हम 39, हमारे और टोटनहम हॉटस्पर के भी सेम पॉइंट है भाई, आर्सेनल के 40 हैं और 41 है वहाँ पे, किसके थे मैंने देखा नहीं, 41 थे, और उसके बाद जो नंबर उनकी टीम है उसके कुछ ज़्यादा ही है भाई, क्या बोलेंगे अब। ओके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की ट्राई कर रहे हैं हम, अब यहाँ से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है स्पेन ला लीगा में डालने वाला हूँ, और मैं डालने वाला हूँ
बार्सिलोना में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक बार ट्राई करूंगा बार्सिलोना के लिए। मैंने इसके पहले कभी बार्सिलोना का ट्राई किया नहीं, हालांकि उनके पास के जो प्लेयर है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, पर मुझे ये भी डाउट है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होता है तो दिक्कत ये आएगी कि मैं फर्स्ट लेवल में जगह बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखना चाहेंगे, मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, आई डोंट नो कि अभी एक्सेप्ट होगा या नहीं होना, वो बाद की बात है, तो लेकिन डालने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट हो चुकी है हमारी पूरी, तो अब जाएंगे हम नेक्स्ट मैच की तरफ, और नेक्स्ट मैच है हमारा मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि नंबर वन की टीम है सिटी, और इनसे अगर हम मैच जीतते हैं तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लकी तो रहेंगे, लेकिन हमारी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, हम पॉइंट में टेबल में थोड़े और आगे आ जाएंगे। सिटी मैच हारेगी तो नीचे आएगी, और हम मैच अगर जीतते हैं तो ऊपर तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि नंबर वन की टीम है सिटी फिलहाल। ओके, सो वी गो, मैच हो चुका है शुरू, अब देखना है कि भाई साहब हम क्या कर पाते हैं इस मैच में। सिटी काफ़ी टफ टीम है, ऐसे तो गोल होने नहीं देगी वो। ओके, बहुत बढ़िया बॉल अंदर, क्या ये बॉल हमारे पास आएगा वापस, और ये बढ़िया बॉल और गुड ट्राई, और मुझे लगा डबल लगी बॉल, पोल पे भी लगी और गोल कीपर को भी लगी, ऐसा मुझे डाउट है यहाँ पे कहाँ लगी बॉल, समझे लग तो रहा है, रीप्ले देखने भी समझ आएगा, बढ़िया शूट था। ओके, पहले लगी क्रॉस बार पे और फिर लगी गोल कीपर को और बॉल निकल गई, फिर गोल कीपर बोल रहा है उधर जाओ भाई उधर है बॉल, अब क्या बोलूँ मैं इसको, कुछ बोल नहीं सकते। और बढ़िया ट्राई सिटी की वहाँ पे, लेकिन हमारे गोल कीपर ने डिनाई कर दिया इस सबको कि भाई हम नहीं लेंगे तुम्हारी ट्राई। ओके, बहुत बढ़िया, सामने कोई प्लेयर नहीं दिख रहा है, लिविंग में बॉल है, क्या ये बॉल मुझे डाल पाएंगे भाई साहब आप प्लीज़। बहुत ही बढ़िया बॉल और थ्रू बॉल मिली है, यहाँ से शूट करने की ट्राई और बहुत ही तगड़ी ट्राई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका, तगड़ा शॉट था वैसे देखा जाए तो, शॉट में बहुत जान थी, लेकिन इस सीमेंट में जान तो थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, गोल नहीं स्कोर कर पाया। सिटी के पास बॉल, सिटी अटैक में, बॉल फिर से हमारे पास, लेकिन सिटी ने वापस बॉल ग्रैब कर लिया, पोजीशन उन्हीं के पास है और बहुत ही बढ़िया पासिस कर रहे हैं वो लोग। ओ बच गए, अब बॉल मेरे पास है भाई, यहाँ से भाग लो। ओके, तो बॉल फिर से हमारे पास और यहाँ से बॉल मेरे पास है और यहाँ से ट्राई, ओ मुझे लगा हल्का सा पुश करके बॉल अंदर चले जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस सिटी अटैक पे, बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे, डिफेंसिव एटलीस्ट थोड़े से चले, तो फर्स्ट हाफ ओवर, फर्स्ट हाफ 0-0 रहा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो है हमको, ट्राई तो की हमने एटलीस्ट, कभी सेकंड हाफ में देखना है कि यहाँ पे हम क्या कर पाते हैं। सो हियर वी गो, और मैच हो चुका है शुरू, और बॉल बहुत ही बढ़िया है, अगर ये बॉल अंदर मिल जाए मुझे तो कुछ कमाल हो सकता है क्या, बहुत ही बढ़िया शूट, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज किस्मत भी ऐसा बोल रही है कि यहाँ से गोल नहीं हो पाएगा बेटे तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया, और बॉल देना किसको था, किसी और को चला गया, अब बॉल दे दो मुझे। ओके, बढ़िया बॉल भाई, फिर से बॉल, शूट, ओ नो, इससे ज्यादा क्लोज क्या होगा, बहुत ही क्लोज था, कम ऑन यार, क्या हो क्या गया इस मैच में, स्कोर नहीं होगा मेरा, ओ बॉस इतना क्लोज, बहुत ही बढ़िया बोला, अब ये तो गोल होना चाहिए, कम ऑन, मतलब मेरा तो क्या, मेरी टीम मेंबर्स की भी गोल नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी तगड़ी गोल कीपिंग कर रहे भाई बंदा वहाँ, और यहाँ से अब मुझे लगता है पास देने में भलाई है, और फिर से बॉल और ये शूट, कम ऑन मैन, दूसरी बार क्रॉस बार पे लग चुका है, ये क्या है यार, कम ऑन मैंने फालतू तेज मारा, धीरे मारता तो भी गोल चले जाते, कहाँ क्रॉस बार पे लग के बॉल बाहर आ गई, क्या बताया जाए अब, क्या किया जाए, बहुत ही बढ़िया बॉल, अब यहाँ से तो भी गोल हो जाना चाहिए एटलीस्ट, और बहुत ही बढ़िया ट्राई, और ये गई बाहर मेरे भाई, क्या बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ से फर्स्ट गोल मिल चुका है हमको, हमारे टीम मेंबर ने गोल स्कोर कर दिया, काफ़ी अच्छी बात है, हम सिटी से जीतना है हमको, चाहे मेरा गोल आए या मेरी टीम का गोल आए, किसी का भी गोल आए, लेकिन गोल आना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया नंबर 11 ने गोल स्कोर ठोक डाला है, तो हम अब लीड कर रहे हैं भाई साहब इस मैच में, और सिटी अब ट्राई करेगी और अटैक करने की, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे, और अब बिल्कुल थोड़ा समय बचा है, हमें बस टाइम पास करना है जितना हो सके। ओ भाई ये क्या किया, ये क्या कर रहा, ओके तो बॉल अब हमारी टीम मेंबर के पास, और अभी यहाँ से कुछ मूव बनाने की ट्राई, बॉल मैंने पीछे मांगी और मैं यहाँ से पास करूँगा, अब मुझे बॉल अंदर चाहिए, अब बॉल चाहिए, ये गुड शॉट, यस, मुझे लगा स्कोर कर पाता कि नहीं कर पाता यार, वो भी डाउट था, लेकिन अब मैंने फाइनली स्कोर कर लिया अगेंस्ट सिटी भी,
बहुत ही जरूरी था, काफी ट्राई की मैंने इस मैच में लेकिन सारे शॉट डिनाई हुए और किसी में भी स्कोर नहीं हुआ, लेकिन फाइनली एट लास्ट ये मुझे मिला है, बहुत ही बढ़िया, फाइनली स्कोर बाय मी। तो ये हमारे करियर मोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कोर तो होते रहे, लेकिन हम इस मैच में बहुत ट्राई किए हमने लेकिन स्कोर हो ही नहीं रहा था, जो हुए वो क्रॉस बार पे लग गए, अदरवाइज गोल कीपर इतना तगड़ा था कि उसने बॉल अंदर जाने ही नहीं दी। सो लास्ट मिनट में गोल किया है भाई साहब हमने और बहुत ही बढ़िया, दो गोल से हमने ये मैच जीता है, काफ़ी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट ही समझ लो नॉर्थ सिटी के लिए कि हमने सिटी को ही हरा दिया। तो मैनचेस्टर सिटी हारी है दो गोल से, हॉटफोर्ड जीत गया है, चेल्सी हार गई है, तो हम आ चुके हैं नंबर फोर की पोजीशन पे। अब क्या बोला जाए, नंबर टू थे लेकिन पॉइंट हमारे काफ़ी कम है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। तो 80 की रेटिंग हो चुकी है हमारी और हमारी कुछ मैसेज आए हैं यहाँ पे, क्या मैसेज भाई है, ओ लिस्ट ऑफ ऑफर, ओके तो बार्सिलोना वालों ने दिया है मुझे F1, नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो चुकी है, 2658240 के साथ इनकम है कि अब मुझे पता नहीं है पूरी मंथ की सैलरी है कौन सी सैलरी, मैंने देखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एंड जेड 3823 मतलब 321 चल रहा है शायद इसमें, तो 3 साल का शायद ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने की संभावना है इतनी सैलरी पे, तो मुझे मैंने तो भाई एक्सेप्ट कर ही लिया, ऑफकोर्स मैं बार्सिलोना में जाना चाहूँगा और मैंने इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया। आप सभी लोग बहुत दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई बार्सिलोना बार्सिलोना, तो ये है वो मैच जहाँ मैं बार्सिलोना को ज्वाइन करने वाला हूँ और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो हियर वी गो, नेगोशिएशन डे एंड हो गया और यहाँ पे फर्स्ट मैच बार्सिलोना की तरफ से खेलना है मुझे, तो पहले तो आते हैं हम इंटरव्यू सेक्शन में, क्या बात है। तो हमारा इंट्रो होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, फर्स्ट मीट विद बार्सिलोना एंड एवरीवन, तो हियर वी गो, क्या बात है, हमारी बिकम अ लेजेंड मोड की जर्नी शुरू हुई थी नॉर्थ सिटी से और हम बार्सिलोना में पहुँच चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इसे एपिसोड्स बनाने में, तो आई होप आपको देखने में भी आ रहा होगा। तो भैया मिल चुके हैं हम और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा बन चुका है और हम बहुत खुश है, दिस इज जस्ट अमेजिंग, इट विल बी वेरी स्पेशल डे फॉर मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एवरी मोमेंट, क्या बात है, बहुत अच्छे, टू बी अ विनिंग इज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग इज रेडी टू प्ले, आई कांट टू सी द मैच डे, ओके। तो ये है हमारा बार्सिलोना का मेनू भाई साहब और अजय कुमार आ चुके हैं बार्सिलोना की टीम में, पर अब देखना है कि खेलने के लिए पोजीशन में जगह मिलती है नहीं मिलती है। ओ भाई साहब यू आर ऑन द बेंच, तो पहला मैच में तो बेंच में, लेकिन आज पहला मैच नहीं करेंगे, पहला मैच करेंगे बाद में। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी होंगी, मुझे लगता है अच्छी लगी होंगी, अगर पसंद आएंगे तो फटाफट लाइक ठोको, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।